नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक ही डोमेन को हम दो होस्टिंग सर्विस से चला सकते हैं। मान लो आपका मेन डोमेन है svtuition.com और उसका सब डोमेन है wiki.svtuition.com। svtuition.com को आप एक होस्टिंग सर्विस पे चला सकते हो और wiki.svtuition.com को आप दूसरी सर्विस पे चला सकते हो जो होस्टिंग की सर्विस है। उसके लिए एक सिंपल सा आपने सी नेम अकाउंट बनाना है और ए अकाउंट बनाना है। जस्ट जो मेन आपकी होस्टिंग सर्विस है उसमें अगर आप सब डोमेन को दूसरी सर्विस में भेजना चाहते हो, सबसे पहले आपकी मेन जो होस्टिंग है उसका पासवर्ड और आईडी लगा के उसको खोलिए। उसमें डोमेन होगा, उसमें DNS जोन एडिटर होगा, उसमें चले जाइए। उसके बाद ए कोड बनाइए। ए कोड के लिए अपना जो सब डोमेन है इसमें लिख दीजिए, जैसे मैंने wiki.svtuition इसमें .com लिख दिया, ऐसे ही आपने लिख देना है। इसके बाद एड्रेस, मान लो कि मैं गूगल का कस्टम डोमेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, कस्टम डोमेन, उसका आईपी एड्रेस है 216.239.32.21। जस्ट इसको आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ आपका जो है सब डोमेन है, योर सब डोमेन, वो लिख देना है योर सब डोमेन नेम आपने यहाँ शो करना है। ऐसे ही यहाँ आपका यूएस सब डोमेन होस्टिंग ले रहे हो तो वो होस्टिंग मान लो कि आपके गूगल से है होस्टिंग या किसी और सर्विस की है, उसका होस्टिंग नेम ghs.google.com आपने यहाँ शो कर दिया और इसको ऐड कर दो सी नेम को। अब ये जो दूसरा सब डोमेन होगा उसकी होस्टिंग गूगल की है और जो मेन डोमेन है उसकी होस्टिंग दूसरी सर्विस की है। इस प्रकार से आप दो होस्टिंग के ऊपर अपना डोमेन चला सकते हो। थैंक यू वेरी मच।